हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल के बारे में और डिटेल से सभी के स्थानों के बारे में जाने थे। आज जो हमारा इसके आगे की टॉपिक होगी, ठीक है, और ये आखिरी पार्ट होगा। तो दक्षिण भारत में महापाषाण काल कैसे था? तो देखिए, महापाषाण काल को पहली बात तो दक्षिण भारत में क्यों किया गया? देखिए, महापाषाण का मतलब होता है दोस्तों कब्र के कारण इसका नाम रखा गया था, यानी महापाषाण यानी पत्थरों के बड़े बड़े खंड। तो पत्थरों के बड़े बड़े खंड के बीच में यहाँ पे शवों को दफना दिया जाता था, उसके ऊपर से दोनों साइड से ऐसे पत्थर खड़े करके ऊपर से पत्थर उसके ढक दिया जाता था। तो ऐसे जगहों का नाम रखा गया महापाषाण काल। ठीक है, वैसे दक्षिण भारत के लोग जो होते थे उस समय में दो तरह की खेती करते थे, एक रागी की खेती करते थे और दूसरा धान की खेती करते थे। ठीक है, दक्षिण भारत का जो स्थान है वो कुछ स्थान फेमस हैं जो कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संगनकल्लू जगह है दक्षिण भारत का, वहां से हमें राग के ढेर मिले हैं। ठीक है, और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले संगनकल्लू से। ठीक है, यह स्थान कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के कुछ और स्थान है जैसे मास्की एक जगह है, ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, पिकलीहल है। ठीक है, इन सारे जगहों से भी अलग अलग तरह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, तो वहां से भी हमें नौ पाषाणकालीन स्थल हमें ज्ञात हुए हैं, उनके बारे में पता चला है। तो ये दो तीन नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है लौह युग के बारे में, आयरन एज के बारे में। ठीक है, तो आयरन एज में क्या होता है दोस्तों? देखिए, आयरन एज में होता यह है कि यहाँ पर सबसे पहले लोहे का प्रयोग हम लोगों ने देखा, लोहे का प्रयोग शुरू होता है और इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, और अतरंजी खेड़ा दोस्तों एटा में पड़ता है। ठीक है ना, एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, एटा नामक जगह से अतरंजी खेड़ा के यहाँ से पहला साक्ष्य मिलता है। और अगर ऑप्शन में हस्तिनापुर है तो वो भी आप टिक करेंगे, हस्तिनापुर से भी लोहे का प्रमाण मिला है। और इसी लौह युग में ही सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत देखने को मिलती है। कैसे मृदभांड? तो कई लोग कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि मृदभांड क्या होते थे, और चित्रित धूसर कभी लाल काला आ जाता है, कभी गहरी का आ जाता है, कभी पॉलिश वाला आ जाता है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो मैंने पूरा एक साथ कलेक्ट कर दिया है ताकि आप आराम से याद कर लो। ठीक है, इधर देखिए, एक तरफ मैंने लिखा मृदभांड और दूसरी तरफ है टाइम पीरियड। ठीक है ना, उसका समय। तो अगर आपसे क्वेश्चन में है लाल और काले मृदभांड, ठीक है, यानी ये देखिए लाल काले, इसको BRW बोल देते हैं। ठीक है ना, तो लाल काले मृदभांड अगर आपके पास है, ठीक है, तो इसको ब्लैक रेड वेयर, ठीक है ना, लाल काले, काले लाल मृदभांड। तो ये जो मृदभांड थे ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित थे, या लगभग हड़प्पा काल के बाद तक इसका इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा काल तक, ऐसे मान लीजिए किसका इस्तेमाल हड़प्पा काल तक होता था। तो कभी भी आप याद रखिए, हड़प्पा काल के दौरान जो मृदभांड होंगे हमेशा कैसे होंगे? लाल काले। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में भी कैसे होंगे? लाल काले। गैरिक मृदभांड क्या होते हैं? जब OCP ऑक्री पेंटेड ग्रे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? गैरिक मृदभांड। तो ये लाल काला मृदभांड था ना, उसका रंग गेरुआ किया गया, जैसे मटकी होती है ना, मटकी या हाड़ी वगैरह, उसका रंग गेरुआ होता है ना पकाने के बाद, तो यहाँ पे गेरुआ किया गया, इसका नाम दिया गया गैरिक मृदभांड। ठीक है, और ये रखा गया कहाँ तक? पूर्व वैदिक काल के स्टार्टिंग तक, पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ तक ये यहाँ पे था। उसके बाद फिर से इसमें हुआ, इसमें आया चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब इसमें थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह की जाने लगी। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया प्रिंटेड ग्रीनवेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड, और ये आया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लाइन से। ठीक है, अच्छा आप ही बताओ, पहले लाल काला पॉलिश था, उसके बाद आया गहरी, उसके बाद आया चित्रित, अब पहले चित्र बनाना थोड़े सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया पॉलिश वाला, यानी उत्तरी काली पॉलिश, आप याद रखे पॉलिश। ठीक ना, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। ठीक है, और ये आया वैदिक काल से लेकर लास्ट वाले पीरियड से लेकर के मौर्य काल तक, यानी 800 लगभग चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के काल में भी जो मृदभांड मिलते थे, तो कैसे मिलते थे? उत्तरी काली पालिस वाले मृदभांड। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में, यानी चार्कोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है ना, चार्कोलिथिक पीरियड के बारे में। तो देखिए, यहाँ ताम्र माने होता है तामा, और पाषाण माने होता है पत्थर, यानी जब ऐसा काल जब आदमी का क्या पत्थरों के ऊपर तामा का कोई जैसे कैप लगा करके उसका औजार बनाना तैयार किया, तो इसको हम लोगों ने बोला ताम्र पाषाण काल। तो देखिए, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो थी तामा। ठीक है, यानी लोगों ने पत्थरों के साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में कुल हमें चार तरह की संस्कृति पढ़ने को मिलती है। ठीक है, जैसे मालवा संस्कृति एक है दोस्तों, उसके बाद गणेश्वर संस्कृति है, और आहार संस्कृति है, और जोरवी संस्कृति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जब बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है ना, आपको यहाँ से फंसाता है, क्योंकि जानता है कि आप यही वो टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ते हो। हम जानते हैं कि इसमें से 99% लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, या अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं सब पढ़ डालते हैं और यहीं आके छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी क्या करता है, यहीं से पुट कर देता है ताकि आप ना कर पाओ। ठीक है, देखिए क्या था,
तो 5000 BC में जो स्टार्ट हुआ शुरू में वो मालवा संस्कृति था। यह ताम्रपाषाण का पहला साक्ष्य यहां से मिला मालवा से, ठीक है। मालवा दोस्तों मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया में था, ठीक है। तो मालवा संस्कृति यहां पे हो गया। उसके बाद है दोस्तों गणेश्वर संस्कृति, ठीक है ना। ये 2800 से लेकर 2200 BC तक चला, ठीक है। तो ये मिला था राजस्थान में। इसका नाम दोस्तों बनास संस्कृति बोलते हैं, क्योंकि ये बनास एक नदी है वहां पे राजस्थान में, तो उस नदी के किनारे फैली हुई संस्कृति, इसलिए इसका नाम बनास संस्कृति भी रखते हैं या गणेश्वर संस्कृति रखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा है दोस्तों आहार संस्कृति। ये 2100 से लेकर 1400 BC तक, यही वाला पीरियड तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सा था, तो ये वाला आहार संस्कृति। आहार को एक और नाम से जानते थे, आहार संस्कृति। कौन नाम था? आहार संस्कृति। और यही हड़प्पा के समकालीन थे। देखिए ये भी पड़ता है राजस्थान में, और यहाँ पे तांबे का भंडार मिला है, ठीक है। इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया था उस समय में ताम्बवती, ठीक है। यहाँ पे एक और फेमस जगह था गिलुंड, तो दोनों जगह थे, ठीक है। आहार संस्कृति के केंद्र थे दोनों, ठीक है। और लास्ट में जोरवे संस्कृति, ठीक है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ताम्र पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से जो शोध कार्य प्रारंभ हुए ना, वे हुए स्टार्ट कहाँ पे? पश्चिमी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। यानी गुजरात साइड वाला जो हिस्सा, महाराष्ट्र के उधर साइड वाले हिस्से में, ठीक है। जो इस तरह बना होता है ये, इस तरह, तो इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में सबसे पहले क्या हुआ, ये खुदाई उदाई चालू हुई, इसके बारे में खोजना चालू हुई। तो बहुत सारे जगह मिले, जैसे एक दैमाबाद मिला, दैमाबाद ऐसे भी ऐसे कुछ भी बोलिए, जोरवे मिला, निवासा मिला, नासिक मिला, चंदौली मिला, सोनार गांव मिला, इनाम गांव मिला, ये सब देखिए महाराष्ट्र के जगह है। तो आपसे क्वेश्चन खाली ऐसे पूछता है कि बताइए जोरवे संस्कृति जो है कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑप्शन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो उत्तर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। तो बस इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन सारे जगहों का जो नाम था उसे किस संस्कृत अंदर रखा गया? तो जोरवे संस्कृत के अंदर में रखा गया है, ठीक है ना। ये जोरवे संस्कृत का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ चीजें हैं, जो दो ही जगह इंपॉर्टेंट, एक दैमाबाद और एक इनाम गांव। देखिये दैमाबाद से हमें तांबे का रथ मिला है, विशाल रथ मिला, बड़ा रथ है, तांबे का रथ मिला है दैमाबाद से। और दैमाबाद से एक चीज और मिली है कि बस्ती या जो मकान होते थे ना, उनके किलेबंदी भी देखने को मिली है। किलेबंदी मतलब जो बस्ती है उसके घर के अगल बगल क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री यानी दुर्गीकरण है, ये भी देखने को मिलता है दैमाबाद से। इनाम गांव में हमको मिला क्या दोस्तों? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसके पहले सबसे पूरा पाषाण काल में मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? मिर्जापुर से मिली थी, ठीक है। उसी तरह यहाँ से मिला है, ठीक है। इसके अलावा 5 कमरों वाला एक मकान भी मिला है, कहाँ पर? इनाम गांव से, ठीक है। तो मान लीजिए इनाम में किसी ने 5 तल्ले का घर दे दिया होगा, तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे आगे दोस्तों है कायथ संस्कृत के बारे में। देखिए कायथ और एरड़ और नौदाटोली, ये तीन जगह जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं तीनों, कायथ, एरड़ और नौदाटोली, ठीक है ना। नौदाटोली को सबसे पहले खोजा था HD सांकलिया ने, इसको आप याद रखिएगा, HD सांकलिया, ठीक है ना। ये पूना यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है, और उन्होंने खोजा था। तो HD सांकलिया साहब ने नौदाटोली को खोज किया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार। तो कायथ संस्कृति, उसको याद रखिए, इनका नाम रखा गया कायथ संस्कृति। जैसे महाराष्ट्र वाले को बोला गया जारवे संस्कृति, इसको रखा गया कायथ संस्कृति, ठीक है। कुछ प्रमुख घाटियां दोस्तों जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, या तो मिलान करने के लिए आ जाता है, तो भी आप याद रखिए, ठीक है। एक जगह है सोहन घाटी, ठीक है ना। सोहन घाटी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सोन नदी घाटी एक है, बेलन नदी घाटी, बेलन या बोलन, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और बनास नदी घाटी ये राजस्थान में है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी ये आप जान ही रहे हैं मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कोर्तलयार घाटी, कोर्तलयार घाटी दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये कुछ घाटियां हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और इसी तरह आगे का जो चैप्टर होगा हड़प्पा काल वाला मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों लाइन से चलाऊंगा, पहले मैं ये खत्म करूंगा, फिर हड़प्पा कवर करूंगा, फिर बौद्ध जैन कवर कर दूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा कुशाण वंश पे, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते चलिए, बिल्कुल मत घबराइए यार, जितना वीडियो है पहले आप उतना देख के कवर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।